हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है राशिफल, जिसमें हम देखेंगे तीन घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ठीक है, इवेंट्स मोस्टली कब एक्सपेक्टेड है, क्या टाइम फ्रेम है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। जितना डिटेल में हो सका उतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली तीन घटनाएं हम देखेंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहें वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हद तक हम एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करेंगे और टैरो रीडिंग भी मिक्स करेंगे। ठीक है, सो ये तीन इवेंट्स हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट नवंबर मंथ में एक्सपेक्टेड है हम उसको देखने जा रहे हैं। ओवरऑल रहेगा, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, जो भी देखा मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, यदि आपको ये तीन इवेंट्स वाली रीडिंग पसंद है, ये टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है या आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है तो डिटेल सारी स्क्रीन पर है। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए तीन घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी नवंबर के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं, गाइड करें। फॉर एक्यूरस राशि, थ्री इवेंट्स एक्सपेक्टेड इन नवंबर 2024। पेज ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। मंथ का थीम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एनर्जी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कौन सा इवेंट कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नवंबर 7 से, नवंबर 1 से नहीं बोलूंगी, नवंबर 7 से नवंबर 15 तक वीनस का ट्रांजिट रहेगा एक्यूरस राशि में। ठीक है, जिसके वजह से ना इसका इम्पैक्ट, वीनस का इम्पैक्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए मेन ट्रांजिट लेगा नवंबर 7 से। ठीक है, इससे क्या होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी जो रिलेशनशिप है, जो आपके समझो स्पाउस के साथ कोई कनेक्शन है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्शन है, उसे बहुत स्ट्रॉन्गर बनाएगा। ठीक है, उसे बहुत लेवल पे और आपके अंदर ऐसी डिजायर भी बढ़ जाएगी। स्पेशली अगर आप सिंगल है ना तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी एक प्रॉपर कनेक्शन में जाने की, इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाएं, आपको कोई बंदा हो जिससे प्यार मिले या कोई बंदी हो जिससे ढेर सारा प्यार मिले। ये वो टाइम रहेगा जहां पर आप प्यार की इज्जत बड़ी करेंगे, प्यार की बड़ी वैल्यू करेंगे, प्यार को हर तरीके से बहुत ज्यादा लाइक होता है ना, पार्टनर को बड़ा रिस्पेक्ट देना, पार्टनर को बड़ा प्यार देना। ये वो टाइम होगा जहां पर आपको लगेगा कि एक रिलेशनशिप में आपको क्या क्या एक्टिविटीज करने की जरूरत है। लेकिन याद रखना, अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक चल रहा है पिछले कुछ टाइम से अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपको बहुत पेन महसूस करना पड़ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बन रही है, तो ये वो टाइम होगा जहां पर इस रिश्ते से आपको फ्रीडम की इच्छा जागेगी, जहां पे आपको लगेगा इस रिश्ते से मुझे फ्रीडम चाहिए, इस कनेक्शन से मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मुझे अंदरूनी तरीके से जो पीस ऑफ माइंड फील होना चाहिए, हैप्पीनेस फील होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब ये देखो, वीनस जो होता है ना, वीनस प्लैनेट ऑफ, आपको मैं बता दूं, प्लैनेट है प्यार का प्रतीक, है ना, ब्यूटी का प्रतीक है, हमारे जिंदगी में पीस ऑफ माइंड का प्रतीक है। तो ये आपकी जिंदगी में ना आपकी सोशल लाइफ को एक्सपांड करेगा, आपके दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना बेहतर करेगा, आपके रिश्तों को बेटर करेगा, आपके स्पेशली लव रिलेशनशिप को बेटर करेगा। ठीक है, सिंगल है तो आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आने के भी चांसेस इस टाइम पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीपर लेवल ऑफ आपका अंदर ऐसा आएगा कि मुझे कोई चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में कोई चाहिए वाली फीलिंग आएगी। अब ये वो टाइम है जहां पर आपकी बातों में भी बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, सडनली आपकी बातें करने का तरीका बड़ा बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके साथ आप लगे हुए बहुत समय से कि भाई मुझे प्यार दे दे, जिसके सामने ना आपको बहुत टॉक्सिक फील हो रहा है या वो बंदा या बंदी आपको ध्यान नहीं दे रहे, तो ये वो टाइम होगा जहां पर आप बहुत ईजिली और स्मूथली अपने आप को फ्री करेंगे। एकदम से आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं इस रिश्ते में पेन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स बेटर कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूँ और आजाद हो जाऊँ, सिर्फ अपने बारे में सोचूं, क्योंकि इस वक्त आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए अपना प्यार, अपने अंतर मन में खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये वो पहला इवेंट है जो आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्यार की आपके अंदर इज्जत बढ़ जाएगी, प्यार को वैल्यू करेंगे, ब्यूटी को वैल्यू करेंगे, लग्जूरियस चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें लग्जूरियस, आपको महंगे घर अट्रैक्ट करेंगे, महंगी गाड़ी अट्रैक्ट करेंगी, पैसा आपको कहीं ना कहीं से आता नजर आएगा। ठीक है, तो चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी। ओके, अब सेकेंड घटना पर आते हैं। अब सेकेंड घटना जो है मार्स का जो रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनी में, ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक्यूरस पे देखने को मिलेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड करेगा मंगल, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कुंभ राशि पे देखने को मिलेगा, जिसके वजह से
आपके कुछ प्रोजेक्ट्स डीले होंगे, यस, या दूसरी घटना आपके लिए डीले को रिप्रेजेंट करती है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, कोई ना कोई तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी बनेगी जहां पर आपको लगेगा कि काम क्यों नहीं बन रहे, बट ट्राई तो कर रही हूँ। और ये घटना शुरू होगी नवंबर 15 से एंड ऑफ नवंबर तक आपके लिए ये बना रहेगा ये आसार, जहां पे आप बहुत परेशान हो जाएंगे, सडनली लगेगा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जहां से पैसे आ रहे हैं वो पैसे अटक जा रहे हैं, पैसे बहुत स्लो डाउन हो गए, या कहीं मैंने इन्वेस्ट किया है तो उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे काम में मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मेरे लिए चीजें बेटर नहीं हो रही है, मैं जो भी टास्क प्लान कर रहा हूँ या प्लान कर रही हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, हर चीज मेरे लिए डिले हो रही है। तो ये नवंबर 15 से एंड ऑफ नवंबर तक आपके लिए किसी तरीके के डिलेस होंगे, किसी तरीके की दिक्कतें पैदा होंगी, जहां पर आपको लगेगा यार मैं इतना बेस्ट कर रहा हूँ, मैंने टाइम प्लान किया है, डेडिकेशन प्लान किया, डिसिप्लिन प्लान किया, पर कोई भी काम मेरा टाइम से हो नहीं रहा है, हर काम में मेरे डिले हो रहा है, या कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही है, कोई ना कोई संघर्ष पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेड हो रहा है मंगल का, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आपके ऊपर ऐसा छोड़ेगा जिसकी वजह से चीजें आपके लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब थोड़ा स्लो डाउन होगा, किसी से कम्युनिकेशन आपको करनी थी कोई पार्टनर से, इन्वेस्टर से, वो चीजें आपके लिए डिले हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहां पर आप अपने काम को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे को बेटर करने की जरूरत है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे चीजें और बेटर हो जाए और मेरी बेहतर लाइफ हो जाए, ठीक है। अब ये बहुत से लोगों के लिए, मैं बहुत से लोगों को अलर्ट करूं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लव लाइफ में कोई फेलियर फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कहूंगी जो सेपरेशन में है, जो बहुत समय से अटके हुए हैं और अपने रिश्ते से ना निकलना नहीं चाहते, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, ये वो टाइम है नवंबर आपके लिए 15 से नवंबर एंड तक, ये वो टाइम है जहां पर आप उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका काम बना सकता है। यानी कि मंगल का रेट्रोग्रेड आपके लिए एक फायदा जरूर करेगा, वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, या उनसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के बीच में घटनाएं घटित हुई उसमें आप जो है अगर डिस्कस करेंगे उनसे, तो आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे, बेटर फील करेंगे, अंदर जो एनर्जी है जो आपको एक विचलित इम्पेशेंट वाली एनर्जी दे रही है वो आपको वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आप बहुत बेटर फील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहली घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लव एंगल और रिश्तों में आप वैल्यू करना शुरू करेंगे, रिश्ते इमोशंस आपके लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे, लेकिन जो टॉक्सिक रिश्ते हैं उसे आप रिलीज करेंगे। सेकंड घटना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिंगल है तो रिलेशनशिप में जाएंगे, ये मियाँ बीवी वगैरह वाले रिश्ते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो वो बेटर होगा, सोशल लाइफ आपकी बेटर होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, जो आपके सर में बस दर्द कर रहे हैं, वो चाहे आपके हस्बैंड वाइफ है, टॉक्सिक समझते हो, टॉक्सिक मतलब वो जो आपके आपके लिए कभी सही इंसान थे ही नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, जिनको आपके होने ना होने से कोई परवाही नहीं, आपकी पड़ी नहीं, बट वो आप उनके साथ सिर्फ कनेक्शन बनाकर चल रहे हैं क्योंकि आपका प्यार था। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप उन्हें रिलीज करेंगे और बोलेंगे जा यार, इससे अच्छा तो तेरा होना ना होना ना के बराबर है। ये सोशल लाइफ को एक्सपांड करेगा, यानी कि आपके दोस्त बनेंगे। दूसरी घटना रिप्रेजेंट करता है कि आपके कुछ काम देरी से होंगे, टाइम से कंप्लीट नहीं होंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आएगी, जो काम आपने जिस हिसाब से प्लान किए थे वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्रिएटिविटी और इंट्यूशंस में भी थोड़ी दिक्कतें महसूस होगी, जहां पर आपको क्रिएटिव होना है, जहां पे आपको इंट्यूटिव होना है, वहां इंट्यूटिव होने में भी दिक्कत आएगी, बट ये वो टाइम है जहां पर आप अपने पास्ट पर्सन से बात कर सकते हैं। यदि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रही है, आप अपने पास्ट पर्सन से बात करें क्योंकि यहाँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी घटना की, ओके। अब तीसरी घटना जो है फुल मून जो होगा टॉरस में, ठीक है, नवंबर 15 को होगा, ओके, नवंबर 15 को होगा, इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा दिन नहीं पर थोड़े दिन तक रहेगा, और इस रिफ्लेक्शन के चलते, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है, इस रिफ्लेक्शन के चलते ये एनर्जी आपको कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा पता है, ये कुंभ राशि को फोर्थ हाउस में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि घर वाली एनर्जी में, परिवार वाली एनर्जी में। तो ये वो वाली एनर्जी है जहां पर आप समझो कि आपकी लाइफ में, आपके घर में बैलेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वो टाइम होगा जहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको ऐसी फील होगी कि यार मेरा जो सुख है, मेरी जो शांति है, वो मुझे मेरे घर में मिल रही है। वो होता है ना कि हम बाहर यहाँ वहां भटक रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, और हमको अचानक से रियलाइज हो रहा है कि हमारी खुशी और शांति तो हमारे घर में ही मौजूद है।
तो ये वो टाइम है जहां पर आप घर के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जैसे कि इंटीरियर करवाएंगे घर का, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, मे बी आप घर बाय करेंगे और घर वगैरह बाय किया तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स होने के चांसेस हैं। ये वो टाइम रहेगा, ये वो टाइम है जहां पर आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, घर में सिक्योर रहना पसंद करेंगे, आइसोलेशन अच्छी लगेगी, आपको लगेगा आइसोलेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर में बैठना अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। ये वो टाइम होगा जहां पर आप जो है अपने घर वालों को देखना भी शुरू करेंगे, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है उसे सॉर्ट आउट भी करना शुरू करेंगे। ठीक है, यदि अब आप मेरे को ये बोलेंगे दीदी सब चीजें आपने रिलेशनशिप के लिए बोली है, तो आपकी तीनों घटना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ही इफेक्ट कर रही हैं, और जैसे काम को मैंने आपको बोला कि काम को लेकर डिले होगा, तो यहाँ पर तीन घटना की बात हुई थी, ये नहीं कहा था कि अच्छा ही बोला जाएगा, बेटर ही बोला जाएगा, नहीं, आपके सामने जो तीन घटना है वो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया। अभी इस टाइम फ्रेम से क्या होगा कि इस टाइम पे आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये चीजें मेरे साथ होने वाली हैं, ये चीजें मुझे करनी है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बोलूंगी, तीसरी घटना जो है आपके साथ जो घटित हो रही है, इस तीसरी घटना में अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, लेट्स से आपके घर में कोई कलेश हुआ, आपके भाई बहनों में लड़ाइयां हुई, मम्मी और पापा के बीच में कुछ इश्यूज हुए, वो सॉर्ट आउट होंगे। ये वो टाइम है जहां पर आपके लिए ये कलेश सॉल्व होंगे। नवंबर 15 से ये इफेक्ट रहेगा नवंबर 20 तक। ठीक है, सिर्फ नवंबर 20, आप जो 5 दिन का ही इफेक्ट है जो रहेगा, जिसमें आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, घर में रहना प्रेफर करोगे। ठीक है, अब पहली घटना रिवाइज करते हैं शॉर्टकट में जल्दी। फर्स्ट घटना रिप्रेजेंट कर रहा है रिश्ते बेहतर होंगे रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप अगर सिंगल हैं तो आप मिंगल करेंगे, लेकिन कोई रिश्ता अगर आपको बांध रहा है टॉक्सिक है तो आप उसे रिलीज करेंगे। ठीक है, दूसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है मार्स की एनर्जी जो मैंने आपको बताई, वो एनर्जी आपके लिए डिले क्रिएट करेगा, आपके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, बट ये वो टाइम होगा जहां आप अपने पास्ट पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, बात करना चाहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरी घटना रिप्रेजेंट करता है कि घर के कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, घर रहना पसंद करेंगे, घर वालों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, घर में कोई कलेश हुआ है तो वो सॉल्व होगा इस टाइम पे, और घर के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में कहां हाथ डालेंगे, जैसे कि कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई घर ले लिया, कोई घर का इंटीरियर कर दिया, ऐसी चीजों में आपका हाथ जाएगा। ओवरऑल आपके लिए मंथ का थीम क्या है, मंथ का थीम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ चीजों की अंदर आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ रही है, आप लॉजिकल सोचेंगे कुछ चीजों को लेकर, बहुत लॉजिकल सोचेंगे, प्लस इस टाइम पे आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है। बहुत सी चीजें ना आपके सामने, बहुत से आपके सामने से ना आंखों पर से पट्टी खुलेगी। ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको लोगों का सत्य पता चल जाएगा, कौन कितना पानी में है, कौन कितना दूध का धुला है, लोगों का सत्य आप देखेंगे। ठीक है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर की एनर्जी वो ऊर्जा ले आएगी जहाँ पे आपका माइंड ना बड़ी क्लियरली आंखों की पट्टी को निकाल पाएगा और हर चीज दिखा पाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन तेरा सगा है, कौन तेरा नहीं है, बहुत सारी रियलिटी चेक मिलेगी। और यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो चीजें आपके लिए संघर्ष जरूर बनाएंगी, यहाँ पर मार्स की एनर्जी क्रिएट करेगी, लेकिन ये संघर्ष ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। आपको बस ये सॉल्व, अगर ये टाइम को आपको यूटिलाइज करना है तो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को बेटर करने में यूटिलाइज करें। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी कुंभ राशि वाले हो। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपके लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।